बस एक कटोरी सुबह सुबह खा लो, पूरे दिन तरोताजा रहोगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी साबूदाना खीर। बहुत कम टाइम में गाढ़ी रबड़ीदार कैरमल खीर बनके तैयार होगी। इस खीर को आप लंच में, डिनर में या जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तब आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल माँ की रसोई अंजू को जरूर सब्सक्राइब करें। साबूदाना खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1/3 कप साबूदाना लिया है। साबूदाना कई तरह के आते हैं, मैंने यहाँ पर ये मीडियम वाला साबूदाना लिया है। अब इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसे आधा घंटा के लिए पानी में भिगो के रख देंगे, जिससे साबूदाना अच्छे से फूल जाएगा। एक कढ़ाई को गैस पे गर्म होने रखेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 लीटर दूध, उबला हुआ या बगैर उबला हुआ, आप कोई भी दूध यहाँ पर ले सकते हैं। गैस को यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे करेंगे और दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने के बाद ना इसे हमें बस थोड़ी सी देर के लिए ही गाढ़ा करना है। आज जिस तरीके से हम इस खीर को बनाएंगे ये बहुत जल्दी गाढ़ी और क्रीमी बन जाएगी। देखिए दूध में यहाँ पर अच्छे से उबाल आ गया है, तो गैस को हम यहाँ पर हाई फ्लेम पे कर लेंगे और दूध को 5 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे, जिससे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। दूध को उबलते हुए 5 मिनट हो गई है और देखिए ये पहले से आपको कम लग रहा होगा। तो अभी हम इसमें साबूदाना को डाल देंगे। साबूदाना को हमने पहले ही भिगो के रखा था तो उसका सारा पानी निकाल दिया है। अब आप देखेंगे कि साबूदाना डालने के बाद ना दूध में उबाल आना बंद हो गया है, तो इसे बीच बीच में इस तरह कड़छी से चलाते रहेंगे ताकि साबूदाना इसमें चुपके ना। और अभी देखिए दूध में यहाँ पर अच्छा उबाल आने लगा है, तो इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह उबलने देंगे, जिससे साबूदाना भी दूध के साथ अच्छे से पक जाए। साबूदाना खीर तो आपने पहले भी खाई होगी, लेकिन आज जिस तरीके से इसे बनाना बताऊंगी इसका टेस्ट एकदम बदल जाएगा। तो देखिए खीर हमारी यहाँ पर लगभग बन गई है। अब इसमें डालेंगे वो जरूरी चीज जिससे खीर हमारी एकदम गाढ़ी रबड़ीदार बनेगी। यहाँ पर मैंने 10 काजू को मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लिया है। इसे डालने से आप देखेंगे कि खीर यहाँ पर बहुत जल्दी गाढ़ी होने लगेगी। खीर को और भी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 बादाम को इस तरह बारीक काट लिया है, थोड़े से पिस्ता लिए हैं, इन्हें भी इस तरह बारीक काट लिया है। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। खीर में हमें अभी मीठा डालना है, तो इसके लिए कैरमल बना लेते हैं। इसके लिए गैस पर एक पैन को रखेंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 कप चीनी। मीठा आप यहाँ पर अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप खाना पसंद करते हो। चीनी को पैन में इस तरह फैला लेंगे और गैस को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे। आप धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे चीनी पिघलने लगेगी। चीनी को अभी हमें कड़छी से बिल्कुल नहीं छेड़ना, अभी इसे और थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, उसके बाद इसे हम चलाएंगे। अभी देखिए चीनी यहाँ पर अच्छे से पिघलने लगी है, तो इसे कड़छी से चलाते हुए थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर देंगे। और आप अभी देखेंगे कि जैसे चीनी यहाँ पर मेल्ट होती जाएगी, चीनी का कलर भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा कैरमल बन गया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ध्यान से डालें, यहाँ पर छींटे बहुत आती हैं। पानी को यहाँ पर इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। लगभग ऐसे मान के चलिए मैंने इसमें 1/2 कप में से थोड़ा सा पानी ही बचाया है, 1/2 कप मैंने पानी यहाँ पर डाल दिया है। कैरेमल हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। गैस को यहाँ पर हम ऑफ कर देते हैं और अभी खीर को देख लेते हैं। देखिए एकदम गाढ़ी रबड़ीदार खीर हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। अब खीर में हम यहाँ पर कैरेमल डाल देंगे और इसे खीर में डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे खीर में डालने से ना खीर का स्वाद और सीरत दोनों ही बदल जाती है। खीर का स्वाद अब यहाँ पहले से एकदम चेंज हो गया होगा। और देखिए यहाँ पर हमारी एकदम रबड़ीदार खीर बनकर तैयार है। अब इसे अलग बर्तन में पलट लेते हैं, थोड़े से बारीक पिस्ता से इसे गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी साबूदाना खीर हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म खाएं, अगर ठंडा खाना पसंद करते हैं तो इसे फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा होने के बाद खाएं। एकदम मोती जैसी गाढ़ी रबड़ीदार खीर हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। इस खीर को आप व्रत में भी खा सकते हैं, तो एक बार जरूर बनाकर देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।